दोस्तों आपने इस तरह की खबरें देखी होंगी और सोचते होंगे कि आखिर में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, इसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे देश की इकोनॉमी में और आखिर में एग्जिस्ट ही क्यों करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में विस्तार से बात करूंगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में और समझाऊंगा आपको कि किस तरह से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हुए आरबीआई हमारे देश में महंगाई को काबू में करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आपका स्वागत है फिल्म वर्ल्ड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आरबीआई के आखिर फंक्शन क्या है, आरबीआई की प्राइमरी काम क्या है हमारे देश की इकोनॉमी में। पहला है सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करना। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई हमारे पूरे देश की इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि सप्लाई ऑफ मनी और दिया जाना चाहिए तो सप्लाई ऑफ मनी को ईज कर देते हैं, और अगर उन्हें लगता है सप्लाई ऑफ मनी वहां से खींच लेना चाहिए तो वो सप्लाई ऑफ मनी को वहां से कंट्रोल कर लेते हैं। दूसरा है दोस्तों कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट से मतलब है कि जिस रेट पर बिजनेसमैन को लोन दिया जाता है, जिस रेट पर आप और हम जैसे लोग लोन ले सकते हैं। आरबीआई रेगुलेट करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है किस रेट पर बैंक द्वारा इकोनॉमी को लोन दिए जाना चाहिए। दोस्तों इन दो पॉइंट्स को मैनेज करने के दौरान ही आरबीआई हमारे देश में इन्फ्लेशन और ग्रोथ को मैनेज कर लेता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम समझते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन है क्या, आखिर महंगाई है क्या। जैसा आप सभी जानते हैं हमारे देश में हैंड सैनिटाइजर और मास्क की रेट्स बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हम सभी लोग हैंड सैनिटाइजर और मास्क की डिमांड कर रहे हैं। जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ता जाएगा उसके रेट्स भी ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं आपके हाथ से पैसा छीन लूं, अगर आपके मैं पॉकेट से पैसा निकाल लूं, तो क्या आप डिमांड रेज कर पाएंगे? जी नहीं दोस्तों, जब डिमांड ही नहीं रहेगा तो उसका रेट्स भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू होंगे। जैसे रेट्स नीचे आना शुरू होंगे तो उसकी महंगाई की दर भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगी। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, ये कंसेप्ट आगे आने वाले वीडियो पार्ट में हमारी हेल्प करेगा महंगाई को समझने के लिए। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास उनकी मॉनेटरी पॉलिसी में चार टूल्स हैं। आइए उन टूल्स को एक एक करके बारीकी से समझते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं बैंक का प्राइमरी काम है डिपोजिटर से डिपोजिट लेना और उसको आगे फर्दर लेंड कर देना, और इस दौरान अपना प्रॉफिट कमाते रहते हैं। अगर मैं किसी बैंक से 1000 रुपए का डिपोजिट दू तो क्या वो बैंक 1000 रुपए आगे पब्लिक को लेंड कर पाएगा? वीडियो एक मिनट के लिए पॉज कीजिए और नीचे मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जी नहीं दोस्तों, अगर कोई बैंक 1000 रुपए किसी चीज डिपॉजिट लेता है तो वो आगे 1000 रुपए लैंड नहीं कर सकता, उसे सर्टेन परसेंटेज अपना कैश में रखना होगा और बाकी रिमेनिंग पार्ट ही वो आगे लैंड कर सकता है। कैश रिजर्व रेशियो बताता है कि किसी भी बैंक से कितना परसेंटेज उनकी डिपॉजिट्स का कैश में रखना होगा और बाकी रिमेनिंग पार्ट वो आगे लैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई डिपॉजिटर 1000 रुपए किसी बैंक को देता है और अगर मैं CRR 6% मानू तो वो बैंक आगे 940 रुपए ही लैंड कर पाएगा। दोस्तों जैसे कि हमने इन्फ्लेशन कंसेप्ट समझा था, अगर मैं ये CRR का रेट बढ़ा दूं तो बैंक्स इकोनॉमी में कम लैंड कर पाएंगे। इकोनॉमी में जब पैसा कम होगा तो किसी चीज की डिमांड कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो महंगाई भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगी। तो ध्यान रखिए, जैसे ही आरबीआई CRR बढ़ाता है तो देश में इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई कम हो जाती है, जब पैसे की सप्लाई कम होगी तो डिमांड भी नहीं रहेगा, जब डिमांड नहीं होगा तो इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा। CRR से मिलता जुलता ही है SLR, जिसमें बैंक्स को CRR के अलावा कुछ पार्ट SLR में रखना होता है और बाकी रिमेनिंग पार्ट ही वो फर्दर लैंड कर सकते हैं। SLR में बैंक्स को सरकार की कुछ सिक्योरिटीज खरीदनी होती है, सरकार के बॉन्ड्स खरीदने होते हैं, गोल्ड्स खरीदने होते हैं, और उस पे वो अपना इंटरेस्ट अर्न करते हैं और अपना प्रॉफिट्स में एड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, अगर 20% SLR है तो किसी डिपोजिटर ने 1000 रुपए किसी बैंक में जमा कराए तो 1000 में से 20% काट के 800 रुपए ही केवल बैंक आगे लैंड कर पाए। तो बताइए दोस्तों, अगर मैं SLR रेट 20% से बढ़ा देता हूं तो मनी का सप्लाई कम हो जाएगा इकोनॉमी में, जैसे ही पैसा नहीं रहेगा इकोनॉमी में डिमांड्स भी नहीं रहेगी प्रोडक्ट्स की, और जैसे ही डिमांड्स कम होना शुरू होंगी तो महंगाई भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो देखा आपने CRR और SLR किस तरह से यूज किया जाता है आरबीआई के द्वारा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। आइए CRR और SLR को कंबाइंड रूप से देखते हैं। अगर कोई डिपोजिटर 1000 रुपए किसी बैंक से जमा कराता है तो CRR 60 रुपए और SLR 200 रुपए काटने के बाद वो बैंक केवल 740 रुपए ही मार्केट में आगे फर्दर लैंड कर सकता है। अगर आरबीआई CRR और SLR का रेट बढ़ा देती है तो ये रिजर्व का अमाउंट बढ़ जाएगा और मार्केट में जो पैसा जा सकता है, मार्केट में जो लिक्विडिटी जा सकती है वो कम हो जाएगी। जैसे ही मार्केट में पैसा कम होगा तो डिमांड भी नेचुरली कम होगा, और जब डिमांड धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा तो इन्फ्लेशन भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने डिस्कस किया, आरबीआई का दूसरा फंक्शन है कॉस्ट ऑफ रेट को रेगुलेट करना, कॉस्ट ऑफ रेट को कंट्रोल करना। आइए समझते हैं रेपो रेट को समझने से पहले हम समझते हैं कि जिस तरह से हम लोग बैंक में लोन लेने जाते हैं बैंक वाले हमसे एक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और दोस्तों ये इंटरेस्ट पूरी इकोनॉमी के स्केल पे देखा जाएगा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, एक ऐसी कॉस्टिंग जो लोन लेने पे पड़ रही है।
दोस्तों जिस तरह से हम लोग हमारे बैंक से लोन लेते हैं, सेम वे ये बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं और जिस रेट्स पे इन बैंक के द्वारा आरबीआई से लोन लिया जाता है वो रेट्स होता है रेपो रेट। जी हाँ दोस्तों, जिस रेट्स पे हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं वो रेट्स है रेपो रेट। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर रेपो रेट 5% है, 1000 रुपए अगर किसी बैंक ने आरबीआई से उधार लिए तो कॉस्ट रहेगा उनके लिए 50 रुपए। अगर आरबीआई रेट बढ़ा देता है तो किसी भी बैंक का कॉस्ट ऑफ रेट बढ़ जाएगा और वो प्रेफर नहीं करेंगे लोन लेना। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस से चलते हुए पूरा देश शटडाउन है, कहीं कोई प्रोडक्शन नहीं है और एक हम मंदी की तरफ मूव कर रहे हैं। इस मंदी को काउंटर करने के लिए ही अभी आरबीआई ने अपना रेपो रेट कम किया है जिससे कि कॉस्टिंग कम हो जाए लेंडिंग की, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लें और प्रोडक्शन शुरू करें, इन्वेस्टमेंट करें, खर्चे करें और देश एक वापस ग्रोथ के रास्ते पर आ पाए। रिवर्स रेपो रेट जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा रेट जिस पर आरबीआई बैंक से उधार लेता है पैसा, एक ऐसा रेट जिस पर बैंक अपना पैसा आरबीआई को देते हैं वो रेट है रिवर्स रेपो रेट। दोस्तों टेक्निकली इसे उधारी नहीं कहा जा सकता। अगर मान लीजिए किसी बैंक के पास 1000 रुपए का डिपोजिट है और उन्हें मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा या फिर वो मार्केट में लैंड नहीं करना चाहते तो उस पैसे को वो आरबीआई के पास पार्क कर देते हैं और उस पार्किंग मनी पे जो उन्हें इंटरेस्ट मिलता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। समझिए अगर मान लीजिए आरबीआई अपना रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है तो हर कोई बैंक चाहेगा कि वो सेफली और सिक्योरली अपना पैसा आरबीआई को दे दे जिससे कि अच्छा इंटरेस्ट कमा पाए, और जैसे ही रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा तो कोई भी बैंक वहां पैसा जमा कराना नहीं चाहेगा। इन सारे कंसेप्ट को समझने के बाद अभी चलते हैं हाल ही में जो आरबीआई ने रेट्स में चेंजेस किया है और समझते हैं कि उसका हमारे देश की इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट होगा। जैसा कि आरबीआई ने अपना रेपो रेट कम किया है 5.15% से 4%, 75 बेसिस पॉइंट का कट है। 1 बेसिस पॉइंट होता है 1% का 100वां हिस्सा। आरबीआई ने अगर 75 बेसिस पॉइंट अपना कट किया है इसका मतलब 0.75% इंटरेस्ट उन्होंने कम किया है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं जो लोन पहले 10% की रेट से मिल रहे थे वो भी 9.15% से मिलना शुरू होंगे। जब लोन सस्ता होना शुरू होंगे तो लोग अधिक से अधिक लोन लेंगे, खर्च करेंगे और जो हमारा देश अभी मंदी की मार से प्रताड़ित है कोरोना की वजह से वो ग्रोथ के रास्ते पर चल सकता है। इसी मीटिंग में आरबीआई ने अपना सीआरआर भी 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% से घटाकर 3% ही कर दिया है। इसका मतलब अभी बैंक्स के पास ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है, ज्यादा बैंक्स लैंड कर सकते हैं मार्केट में। जब लेंडिंग ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड भी जनरेट होगा और देश ग्रोथ के रास्ते पर चल सकता है। तो दोस्तों देखा आपने आरबीआई कैसे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को यूज करते हुए हमारे देश में ग्रोथ को मैनेज करता है, हमारे देश में इन्फ्लेशन को मैनेज करता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे आके दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।